हेलो चिल्ड्रन, साहित्य सागर में साकी कबीरदास की साकी में फोर्थ और फिफ्थ दोहा को हम आज देखेंगे। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहा, ताती की चाकी बली पीस काया संसार। पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर, पहाड़ का अर्थ है पहाड़, ताते का अर्थ है उससे, पीसा का अर्थ है चक्की। हम इस दोहे के भावार्थ को देखेंगे। पाहन पूजे हरी मिले, पाहन पाहन मतलब पत्थर को पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। मैं क्या करूंगी, पहाड़ को पूजा करूंगी। ताते एक चक्की बली, उसमें इस चक्की को क्यों बलि कर रहा है। पीसा खाया संसार, इस संसार में इस जगत में इस को चक्की को क्यों बलि बांधती कर रहे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि इसकी कहना क्या है, पाहन पत्थर को पूजने से हरी मिले तो मैं क्या करूंगी, पहाड़ को पूजा करूंगी। पहाड़ को पूजा करे तो बहुत सारे मिल जाएंगे हमको। इस तरह उसकी कहना है कि ताते एक चक्की, इस संसार में चक्की को उस बलि बांधी क्यों कर रहे हैं आप। मानव समाज को मूर्ति पूजा का, इस दोहे में मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। कबीरदास जी ने आडंबरता को नहीं माना, इस संसार में हिंदुओं का मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कबीरदास जी ने कहते हैं कि क्या है, इस संसार में आप पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर को पूजने से आपको हरी मिले तो मैं क्या करूंगी, पहाड़ को पूजा करूंगी। पूजा करने से हमको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह इस दोहे में कबीरदास जी ने कहता हिंदुओं का मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए आडंबरता को नहीं मानता है। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजा पहा, ताते ई चाकी बली पीस खाया संसार। अब नेक्स्ट जो है, सात समंद की मसी करो लेकर सब बनराय, सब धरती कागज करो हरी गुण लिखा न जा। इस दोहे में समन, समन मतलब समुद्र, मसी मतलब शाही हिंद, लेखन मतलब कलम या लेखनी, बनराय जंगल, सब सब मतलब सारा कागज, कागज। अब हम देखेंगे इस दोहे में भावार्थ को। सात समंद को मसी करो, सात समुद्र को प्रपंच में क्या है, सब कुछ, सात समुद्र की क्या है पानी को मैं क्या करूंगी, मसी करके, इंक करके, शाही बना के, लेखन सब बन रहा है। इस जगत में हुए सभी वन में उठे लकड़ी को काट कर मैं क्या करूंगी, लेखनी बनाऊंगी। लेखनी बना के सात समुद्र के शाही बना के मैं क्या करूंगी, गुरु की या भगवान, भगवान की गुणगान करूंगी। सब धरती कागज करके, सब धरती को क्या करूंगी मैं, कागज बना के, हरि गुण लिखा न जाए, हरि का गुण नहीं लिखा पाऊंगी। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि सात समुद्र की, हाँ सात समुद्र की शाही बना के क्या है, धरती को कागज बना के, और क्या है वन में उठे सभी लकड़ियों को काटकर मैं क्या है लेपनी बना के, इस सभी को यूज करने का पर भी क्या है गुरु की, ईश्वर की, भगवान की क्या है मैं गुणगान नहीं कर पाता हूँ। इस दोहे में इसका कबीरदास जी का कहना है कि क्या है, उन्होंने कहता है भगवान सर्वव्यापी है, परब्रह्म सर्वव्यापी है।
लास्ट क्लास में और इन दिस क्लास में हम सभी पांच दोहे को हम देख चुका है, हम पढ़ चुके हैं, उसके भावार्थ को भी हम पढ़े हैं। आज मैं इस पूरा साहित्य सागर में साकी कबीर दास की साकी में हम पढ़ने के बाद आपकी क्या है परीक्षा की तौर पर कैसा क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करना है और आज देखेंगे मैं एक एक दोहे को आपके यूज होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए एक दोहे के एक एक लाइन में कहने के लिए मैं चाहता हूँ क्या है किस तरह क्या है टेंथ बोर्ड में किस तरह प्रश्न पूछे तो भी आप क्या करना है उसका सॉल्व करने के लिए आपके धैर्य होने चाहिए। इसलिए फर्स्ट दोहे में गुरु और गोविंद के बीच में क्या है गुरु की महिमा के बारे में उन्होंने बताया है कबीर दास जी ने क्या है गुरु और गोविंद इन दोनों के बीच क्या है गुरु ही सर्वश्रेष्ठ क्यों क्या है उनकी गुरु की मार्गदर्शन ज्ञान और मार्गदर्शन के द्वारा ही हमको क्या है भगवान की प्राप्ति होती है। इसके लिए हम गुरु को पहले क्या है महत्व देना चाहिए और सेकंड दोहे में हम भगवान के बिना क्या है त्याग के बिना हाँ क्या करना है हम पहले अहंकार को त्यागना है अहंकार के त्याग के बिना हाँ भगवान की प्राप्ति नहीं होते है। और थर्ड दोहे में कबीर दास जी ने कहता है क्या है रूढ़िवादिता को पहाड़ और पत्थर को करके मुस्लिम लोग मस्जिद बना के उधर जाके क्या करते हैं भगवान को पूजा करते हैं करने से क्या होता है उसकी क्या है आडंबरता को नहीं मानता है रूढ़िवादिता को व्यंग्यपूर्ण तरीके से कबीर दास जी ने समाज को प्रश्न करते हुए उन्होंने कहता है कि पूजा हम भगवान के प्रति हमारी प्रार्थना मनुष्य की क्या है मन की बात है भगवान की पूजा मनुष्य की मन की बात है उसकी पूजा प्रसन्न मन से करना चाहिए सरल भाव से करना चाहिए। फोर्थ दोहे में हिंदुओं का मूर्ति पूजा का खंडन किया है क्योंकि क्या है पहाड़ पूजने से हरि मिले तो मैं क्या करूंगी कबीर दास जी कहते हैं मैं क्या करूंगी पहाड़ को पूजा करूंगी इसलिए पहाड़ को इस दोहे में आडंबरता को नहीं मानता है। कबीर दास जी ने हिंदुओं का मूर्ति पूजा का खंडन किया है। और लास्ट साथी में फिफ्थ दोहे में पांचवा दोहे में कबीर दास जी ने कहता है इस पूरा संसार में धरती को कागज बना के पूरा जंगल में हुए लकड़ी को क्या है लेखनी बना के सात समुद्र की मसी बना के शाही बना के गुरु के गुणगान हम नहीं कर पाते क्योंकि भगवान परब्रह्म भगवान सर्वव्यापी थैंक यू बच्चों।